बढ़ते हैं आगे। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और सभी नेता बिहार की तरफ कूच कर रहे हैं। इन नेताओं के बीच प्रशांत किशोर की भी आज एंट्री हुई है। प्रशांत किशोर की इस एंट्री ने बिहार की राजनीति में खलबली मचाने का काम किया है। देखिए रिपोर्ट। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी गठबंधन को बनाने और उसके प्रचार के कार्य में मेरा मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। नीतीश कुमार जी के लिए प्रश्न ये है कि आप बिहार को लीड करना चाहते हैं या किसी का पिछलग्गू बनकर सिर्फ कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के बाद अब सबकी नजरें टिकी हैं बिहार की तरफ, क्योंकि इन राज्यों की तरह ही अब बिहार में इसी साल चुनाव होना है। इसलिए अब राजनीति का केंद्र बिहार बनने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। राजनीति के महारथी इस चुनाव मैदान में पहुंच चुके हैं, लेकिन इन सभी पुराने नेताओं के बीच एंट्री ली है उस शख्स ने जो अब तक कई पार्टियों के लिए पर्दे के पीछे से काम करते आए हैं, लेकिन अब सीधे पर्दे पर एंट्री ली है। और क्या धमाकेदार एंट्री ली है। नाम है प्रशांत किशोर, जो मीडिया में पीके के नाम से मशहूर हैं और आज पहले ही दिन अपने पुराने साथी और पुरानी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। साल चीफ मिनिस्टर रहे या 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। नीतीश कुमार जी के लिए प्रश्न तो ये है कि आप गांधी और गोडसे दोनों को एक साथ कैसे लेकर चल सकते हैं। नीतीश कुमार जी के लिए प्रश्न ये है कि आप बिहार को लीड करना चाहते हैं या किसी का पिछलग्गू बनकर सिर्फ कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की एंट्री ने राजनीतिक उथल पुथल को तेज कर दिया है। प्रशांत किशोर ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो हर किसी के मन में सवाल था कि क्या किसी नई पार्टी का ऐलान होने वाला है, लेकिन प्रशांत किशोर ने इन सभी को गलत साबित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उन्होंने कहा, मेरी किसी राजनीतिक दल या गठबंधन को बनाने या फिर उसके प्रचार करने के काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जो यहां आए हैं, आपकी अगर ये समझ है कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा करने जा रहा हूँ, किसी गठबंधन का काम करने जा रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से स्पष्टता से बता रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी गठबंधन को बनाने और उसके प्रचार के कार्य में मेरा मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। भले ही प्रशांत किशोर ने किसी पार्टी का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने लोगों की बात जानने का प्लान बनाया। 20 फरवरी से पीके कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा बात बिहार की। इस दौरान बिहार को देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल करने के लिए चर्चा की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अगले 100 दिन में इस कार्यक्रम को लॉन्च करना और हर पंचायत हर गांव में जाकर लोगों को बताना, समझाना और उनको इस बात के लिए जागृत करना, उनको जोड़ना कि बिहार को अगले 10 साल में देश के सबसे 10 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल करने के मुहिम में अगर आपका विश्वास है, अगर आप इस सपने को साझा करते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप इसमें कुछ कर सकते हैं, तो आइए जुड़िए। उसके बाद उसका स्वरूप क्या होगा, पार्टी बन जाएगी कि प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि मोर्चा बन जाएगा, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है। ये बताना चाहता हूं कि जब तक जीवित हूं बिहार के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं और चाहे इसके लिए जितना दिन लगे, 2 साल 4 साल 10 साल 5 साल, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। बिहार के गांव-गांव से लड़कों को जोड़कर, समझाकर, सिखाकर, तैयार करके वो राजनीतिक शक्ति खड़ी करेंगे जो कि बिहार के अग्रणी होने में, देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने की दिशा में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अपनी जिंदगी लगाना चाहता है, अपनी क्षमता लगाना चाहता है, ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने इस दौरान नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर भी सवाल खड़े किए और आज के बिहार की तुलना 2005 के बिहार से कर दी। पीके ने कहा कि बिहार में बिजली है लेकिन सिर्फ पंखा बल्ब जल रहा है, सड़क है लेकिन बिहार के लोगों के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो वाहन चलाएं। लालू जी के राज के मुकाबले बिहार कहां खड़ा है उसके विषय में जरूर बताइए, लेकिन ये भी बताइए कि बिहार महाराष्ट्र के मुकाबले कहां खड़ा है, बिहार हरियाणा के मुकाबले कहां खड़ा है और बिहार कर्नाटक के मुकाबले कहां खड़ा है, ये भी तो बताना होगा। कितने दिन तक यही बात करते रहेंगे कि 2005 में बिजली नहीं थी और बिजली आ गई। भाई कोई ऐसा भी तो दिन आए जब गुजरात के सूरत से लोग चलकर बिहार में काम करने आए। बता दें कि प्रशांत किशोर की गिनती मौजूदा दौर के सबसे शानदार चुनावी रणनीतिकार के तौर पर होती है। 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ काम किया, फिर 2015 में नीतीश कुमार के लिए प्रचार किया और हाल ही में दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए मोर्चा संभाला और प्रचंड जीत हासिल की।
और अब सभी की नजरें बिहार की तरफ मुड़ गई है कि पीके बिहार में क्या गुल खिलाएंगे। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।